मालदा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि पति एवं सास ने मिलकर एक गृहिणी की हत्या करने की कोशिश की। कारण बस ये है कि गृहिणी ने दो बेटियों को जन्म दिया है। 21वीं सदी में भी लोगों की सोच अमानवीय है, जहां लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पति एवं सास की ऐसी मानसिकता देखकर बेटियों की भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पता चला है कि पति एवं सास ने मिलकर उस गृहिणी को मारने की कोशिश की। बाद में गंभीर अवस्था में गृहिणी को बचाकर मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गृहिणी के परिवार के सदस्यों ने थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं परिवार सूत्रों द्वारा पता चला है कि पीड़ित गृहिणी का नाम आलोका मंडल है। उसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है एवं वो इंग्लिश बाजार थाने के बीनपाड़ा इलाके की रहने वाली है। आरोपी पति गोपाल मंडल पेशे से एक सब्जी विक्रेता हैं। गौरतलब है कि करीब 3 साल पहले गोपाल के साथ आलोका का विवाह संबंध जुड़ा था। वैवाहिक जीवन में उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी का नाम अनुश्री है एवं उसकी उम्र 1 वर्ष 6 महीने है। वहीं दूसरी बेटी मात्र 8 महीने की है। वो गृहिणी के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाए कि लगातार दो बेटियों को जन्म देने के बाद ससुराल वालों ने उनकी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आरोप है कि गुरुवार की रात को आलोका खाना बना रही थी, उस समय आरोपी पति एवं सास ओला मंडल ने अचानक उस पर हमला कर दिया। आलोका पर बेरहमी से धारदार हथियार से वार किया गया, जिसके बाद किसी प्रकार आलोका को बचाकर गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर गृहिणी के परिवार के सदस्यों ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। মানে কেটে দিয়েছি কাকে কেটেছে বোনকে হুম টুকি মন্ডল এখান দিয়ে গিয়ে দেখি দেখি যে রাস্তায় পড়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থায় আর আশেপাশের লোক অনেকজনা দেখছিল দাঁড়িয়ে তার আগে হসপিটালের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তারপর মানে আমি তার ওরকম কিছু তো চাইনি তা বোনের মুখ থেকে যা যেন শুনতে পেলাম যে বোন রান্না করছিল আর ওনার শাশুড়ি গিয়ে ধরেছিল আর আমার বোন জামাইটা গিয়ে মারছিল বোন জামাইটা হচ্ছে মানে গোপাল মন্ডল কেন মানে বিয়ে দেওয়া 3 বছর হলো হওয়ার পর বড় মেয়ে হয়েছিল বড় মেয়ে হওয়ার পর 1.5 বছর হয়ে গেছে তারপরে আবার একটা মেয়ে আসে হয়েছে প্রায় 8 মাস হয়ে গেল 8 মাস হওয়ার পরে আরও অত্যাচারটা বেড়ে গেল মানে ছেলে চেয়েছিল ছেলে না হওয়াতে মেয়ে হয়েছিল তো মেয়ে হওয়াতে মানে আরও উত্তেজনাটা বেড়ে গেল মানে যা খুশি তাই দিয়ে মারধর না নাই গালাগালি মানে হয়েছিল ধারানো অস্ত্র দিয়ে মেরেছে কাটাছিল হ্যাঁ মারা বেড়ে ফেলে পর্দার জগতে সেরা কালেকশন মানে সুষমা কালেকশন অথরাইজ শোরুম বোম্বে ডাই পুজোর স্পেশাল অফার প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের এখানে পাবেন রেডিমেড পর্দা পর্দার পাইপ ব্র্যাকেট এছাড়াও রয়েছে কার্পেট বেডশিট টাবেল পাপোশ সোফার কভার কুশন কুশন কভার ইত্যাদি আমাদের ঠিকানা সুষমা কালেকশন আরএম রোড নিয়ার গৌরীমহল কোচবিহার